बिहार में एक जहरीली शराब पी करके 30-35 लोग मर गए। हिंदुस्तान का पूरा मीडिया गलत काम करके मर गए। नशाबंदी के बाद में भी मर गए। हिंदुस्तान का पूरा मीडिया बोल रहा है, आप जब भी लगाओगे त्रासदी। एक परिस्थिति बनी जिनमें आने 50-20 लाख तक आना पड़ियो, वह बात मारे हिसाबू अब खत्म होगी। अब वो बात जो इन्होंने पहले हाँ भरा था, मैं ये मानता हूँ कि इस क्षण के बाद में वो मांग हमारी मानी नहीं गई, इसलिए अब हम उस पर खड़े नहीं हैं। अब हमारी 20 लाख की या 15 लाख की जो मांग थी, आज अब कल तो काम करना है। और आप जाएंगे साहब, पर अब अपने को तत्काल ये घोषणा करनी चाहिए कि अब हम उसके ऊपर खड़े नहीं हैं। हमारी वापिस वही मांग है 50 लाख की और 20 लाख की, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी सरकार मानेगी। इसलिए और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, पंचों थोड़ा चुप रहो। ठीक है करो, हम तो 2 घंटे बाद में तो कैंसिल करो। दो घंटे बाद में तो कैंसिल करो। करनी है कैंसिल, अरे माने को नहीं। अब ऐसा है कि आज 2-3 दिन से आप देख रहे हो बिहार में एक जहरीली शराब पी करके 30-35 लोग मर गए। हिंदुस्तान का पूरा मीडिया गलत काम करके मर गए। नशाबंदी के बाद में भी मर गए। हिंदुस्तान का पूरा मीडिया बोल रहा है, आप जब भी लगाओगे त्रासदी। हमारी आज इस त्रासदी के बारे में, जैसा पहले निरुका साहब ने बताया, कोई मीडिया नहीं बोल रहा है। किसी नेशनल मीडिया ने इस बात को कवर नहीं किया कि पाप करके जो मरा है उसकी तो बात हो रही है, और जो राम रूठने से गए हैं उनकी बात नहीं हो रही है। इसलिए मीडिया को भी हम कंडम करते हैं, मीडिया के प्रति हम नंदा प्रस्ताव पास करते हैं कि यहाँ भारत सरकार, भारत का मीडिया इस ऐसी त्रासदी को क्यों नहीं उठा रहा है। हो सकता है उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव हो। सभी मीडिया घराने राजनीतिक दबाव से डरते हैं, दबते हैं, परंतु हमें इस बात को बहुत ही सख्ती के साथ उठाना चाहिए कि मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल का काम, कल सारी व्यवधान पैदा करेंगे, इंटरनेट से लगा करके, साधनों से लगा करके, गाड़ियों को रोकने से लगा करके, जितना हो सकता है सरकार आज तक करती रही है हर आंदोलन को दबाने के लिए। उसके बाद में आज यहाँ जो खड़े हैं या जहाँ भी खड़े हैं, हर आदमी ये तय करे कि मैं 10 आदमियों को लेकर के आऊँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज रात में जितना आप कर सकते हो कर दो, किसी भी समय इंटरनेट बंद हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं जो हमें यहाँ बैठ के करनी है, और अपना जो आंदोलन है, अपना जो अभियान है, अपन जिस बात के लिए लगे हुए हैं उस बात के लिए अपने को खड़ा रहना है। सब तैयार, आंख दिखानी पड़ेगी। आप संघर्ष करो, संघर्ष करो।